भारत के पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती के पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान के नूर इस्लाम सानायेव को हराकर फाइनल में प्रवेश करने के साथ ही भारत के लिए एक और पदक पक्का कर लिया है। रवि ने सेमीफाइनल मुकाबले में नूर इस्लाम को विक्ट्री बाई फॉल के माध्यम से 7-9 से हराया। रवि 2-9 से पिछड़ रहे थे, लेकिन यहां से भारतीय पहलवान ने जबरदस्त वापसी की और मुकाबला अपने नाम किया। आखिरी मिनट में उन्होंने कजाक पहलवान के पैरों पर हमला किया और इसके बाद उन्होंने अपने मजबूत भुजाओं में विपक्षी को जकड़ लिया। इसी समय विपक्षी पहलवान ने पकड़ से छूटने के लिए रवि को काटना शुरू कर दिया, लेकिन हरियाणवी छोरे ने भी जीत की ठान रखी थी। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने इस घटना पर निराशा जताते हुए कहा कि यह कितना अनुचित है, लेकिन इससे हमारे रवि दहिया के जोश को दबा नहीं सका, उसने हाथ काट दिया। शर्मनाक कजाकिस्तान के हारे हुए नूर इस्लाम सनायेव, गजब रवि, बहुत सीना चौड़ा किया आपने कुश्ती में। रवि ने अपनी मजबूत ढीले नहीं किए और चित करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। फोटो में उनकी दाहिनी बांह में काटने के गहरे निशान का खुलासा हुआ। इस मोमेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लोग सानायेव की आलोचना कर रहे हैं, बात भी सही है, हार सामने देख दांत से काटना कहां से खेल भावना है।